नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे खुद को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा करके, इविल आई से बचा के रखें, नज़रों से बचा करके रखें, और उसके बारे में गहरी और लंबी जानकारी हमने ली, और कैसे हम अपने ब्रेसलेट्स को चार्ज करें ये मैंने सिखाया। आज इस वीडियो में अब हम सीखेंगे कि कैसे किसी पर्सन को अगर नकारात्मक ऊर्जा से घिर गया है, वो नज़र लग गया है, या कोई ब्लैक मैजिक से गुजर रहा है, कि प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उनको कैसे क्लीन करें। घर हो, ऑफिस हो, कार्यस्थल हो, फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी जगह हो, अगर उसे क्लीन करना है तो हम कौन कौन से घटकों का प्रयोग करके क्लीन कर सकते हैं। देखो, देसी जुगाड़ जो है वो तो हम कर चुके हैं, जो मैंने बताया हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा डीप क्लीन करने का पूरा सेट। ये चीज खतरनाक सिचुएशंस में भी, खतरनाक से खतरनाक हालत में भी, और बड़े से बड़े घर को भी, बड़े से बड़े फैक्ट्री को भी क्लीन करने के लिए आप सक्षम हैं। चाहे आप कोई बहुत बड़े हीलर ना भी हो, थोड़ा बहुत ध्यान धारणा जानते हो, थोड़ा बहुत नाम जप करना जानते हो, थोड़ा दिन में उपवास रखते हो, हफ्ते में एक दिन भी, तो भी आप ये चीज़ को कर सकते हैं, है ना? या किसी समझदार इंसान से जो ये करता है उनसे करवा लें। इस वीडियो को दिखा करके बहुत शानदार चीज़ आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ। ये बहुत गहरा नॉलेज है बेटा, समझना। ये ना ऐसा नहीं है कि बहुत छुपी हुई विद्याओं में से एक है। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे इसमें क्या क्या प्रयोग करने वाले हैं। वाइट सागा, इसको जलाते हैं, इसके धुएं से हम क्लीन करते हैं। दूसरा, ये हिमालयन सॉल्ट, नमक, पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, सेलेनाइट, एब्लॉन शेल जो समुद्री जीव से का एक कवच है, और ये फेदर वेंट, दिखने में बड़ा ही फैसिनेटिंग लग रहा है मैं जानता हूँ। ब्लैक टर्मुलिन, सेलेनाइट, लास्ट में ब्लैक टर्मुलिन और सेलेनाइट का ये सुरक्षा कवच जो फैक्ट्री या घर या कार्यस्थल के बाहर हम टांगते हैं। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? साथ में एक एक चीज मैं भूल गया, पालो सांतो, ये लकड़ी है एक तरह का, ये सदियों से अफ्रीकन जनजाति के लोग आज भी इस लकड़ी का इस्तेमाल नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए कर रहे हैं। खैर, चलिए समझते हैं, क्योंकि ये ज्ञान आपके हीलिंग साइंस के कैरियर में बड़ा काम आने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नमक, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जिसे कहते हैं, इसे जिस कार्यस्थल पे है वहां हल्का हल्का हर जगह छिड़क देंगे ये, और कॉर्नर कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा रख देंगे, चारों कॉर्नर में। मतलब कि चाहे कितना भी बड़ा, कितने भी सारे कमरे हो, लेकिन चार कोने होते ही हैं, और चार कोने ना भी हो तो आप अपने समझदारी से एक बर्ड आई व्यू से देख करके चार कोने बना करके वहां ये नमक रख दें, और हर कोने में इसे फैला दें, छिड़क दें, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का हल्का, ठीक है। इसके बाद सेलेनाइट और ब्लैक टर्मोलिन, आठ का ही पेयर आता है ये सेट में, आठ का ये पेयर बनता है। चारों कोने में जहां नमक डाला था वहां इसे रख देंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, चार कोने आप डिसाइड करो और रख दो। इसके बारे में हम, मैं एक क्लियर बात बता दूं कि ब्लैक टर्मोलिन नेगेटिविटी को सोख लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, अपने अंदर धारण कर लेता है, और इसकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सेलेनाइट, सेलेनाइट हमेशा वातावरण से ऊर्जा को खींच रहा होता है, और अपने साथ जो भी चीजें रखी हुई उसे ऊर्जा से भर रहा होता है, मतलब कंप्लीटली ये इसे चार्ज करने के लिए काम आएगा। तो इन दोनों का प्रयोग करेंगे हम कॉर्नर पे। फिर आता है असली काम, एवलॉन शेल। एवलॉन शेल, देखो बेटे, ये सारी प्रक्रिया करने के टाइम ना, इसको जलाने से पहले आप नमक डाल चुके हैं, सेलेनाइट रख चुके हैं, उसके बाद बैठ के सबसे पहला काम जो होगा, बैठिए, जो भी हीलिंग साइंस आप जानते हैं, जो भी सिंबल्स आप जानते हैं, जो भी परमात्मा को जानते हैं, प्रार्थना कीजिए। अगर आप
रेकी हीलिंग जानते हैं, तो सिंबल्स बना लीजिए, सुरक्षा चक्र बना लीजिए अपने आसपास, अपने आप को शक्तिशाली बना लीजिए, परमात्मा को याद कर लीजिए। हे परमपिता परमात्मा, आज मैं इस जगह को शुद्ध कर रहा हूँ, इस जगह को शक्ति से भर रहा हूँ, इस जगह में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें से सॉल्व करना चाहता हूँ, इन लोगों की मदद कर रहा हूँ, मुझे शक्ति दे। ऐसे प्रार्थना कर ले पहले बैठ करके, ठीक है? देन फिर हम पकड़ेंगे अपना जो प्रक्रिया का सबसे अहम किरदार है, उसे उठाएंगे। एवलॉन शेल कहते हैं इसे, समुद्री जीव का ये शेल है जिससे मोती निकलता है, समझ गया ना? तो एवलॉन शेल को पकड़ा और इसके बाद फिर हम उठाएंगे वाइट सागा। वाइट सागा को हम आग में जलाएंगे, मतलब कि यहाँ वो अगरबत्ती की तरह ये जल जाएगा और जल के ये जलना शुरू हो जाएगा। इसे पकड़ लेंगे इस तरीके से, इस पे रखना नहीं, ये हड्डी ही है एक तरह का, है ना? ये जल जाएगा, गल जाएगा। तो इसे दो उंगली में ऐसे पकड़ करके शेल को पकड़ लिया, ठीक है? जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, राइट हैंड वाले हैं तो राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड वाले हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से, जिसमें कंफर्टेबल लगे। और उसके बाद हम उठा लिए फेदर वेंट, गिद्ध का, चील का या ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग कहते हैं, अफ्रीकन उस चिड़िया का ही होता है, इसको सबसे तो शक्तिशाली माना जाता है। तो ये जलना शुरू हुआ, इससे धुआं उड़ना शुरू हुआ। तो इस धुएं को फैलाने के लिए, हर कॉर्नर में फैलाने के लिए, आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे, फैलाते जाएंगे फैलाते जाएंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे, फैलाते जाएंगे। तो इसकी जो राख बनेगी वो गिरेगी इसमें, ज़मीन में गिरने मत देना इसकी राख, जहाँ पर भी जा रहे हैं, जहाँ पर भी इसकी इसे यूज़ हो रहा है, ज़मीन में गिरने मत देना, ठीक है? और कभी हवा से उड़कर ज़मीन में गिर जाए तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, हिमालयन सॉल्ट डाल रखा है ज़मीन साफ करने के लिए। बहुत गहरा नॉलेज है, ध्यान सुनना मजाक नहीं है, है ना? तो आप इस तरह से इसे शक्ति से भर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, नेगेटिविटी को बाहर कर रहे हैं। कई केसेस में आपको अगर ये लगे कि ये नहीं करना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है पालो सांतो, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। तो पालो सांतो को भी वैसे ही जला करके इस तरह कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं जब आपको ये क्लियर समझ में आ रहा है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कुछ भूत बाधा वाला काम है या कोई पुरानी मृत आत्मा है, जो प्रेत आत्मा है जो यहाँ भटक रही, उस टाइप का कुछ मामला है, तो ज़रूर दोनों का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है? अब हर तरफ ये करने के बाद हम आपका पूरा हो गया। लंबा समय लगेगा इसमें, कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा ये ऑफिस है, कितना बड़ा ये फैक्ट्री है, उसके हिसाब से आपको लंबा समय लगेगा। अब हम करेंगे फिर इस नज़रबट्टू को हम मेन डोर पे जाके हैंग कर देंगे, टांग देंगे, ठीक है? प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई, असली चीज़ बचा हुआ है। सारे खिड़की दरवाजों को तुरंत ओपन कर देंगे, जितने भी खिड़की और दरवाजे हैं ओपन कर देंगे, जो ये धुआं जो स्मोक है धीरे धीरे वहां से क्लीन होगा। जैसे ही सारा धुआं क्लीन हो गया एक आध घंटे में, फिर सब कुछ बंद कर दिया जाए, सारा घर पैक कर दिया जाए और 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए, वैसा का वैसा, कहीं और सदस्य, घर के सारे सदस्य कहीं भी चले जाए, होटल में जाके रुके, रिश्तेदार में जाके रुके, कोई दिक्कत नहीं। क्लीन करने के बाद पूरा घर पैक हो जाएगा, 24 घंटे पूरे होने के बाद वापस आए और फिर जो नमक डला हुआ है उसे झाड़ू से बाहर निकालें, सलनाइट और ये ब्लैक टरमोलिन है उसको निकाल के वापस सलामत रख लीजिए, जिसका है, जिस हीलर का है वो रख लेगा। इसे पूरा घर ये क्लीन करेंगे और जो नमक इकट्ठा होगा थोड़ा बहुत, इतना इतना जो भी, उसको निकाल के गटर में डालेंगे, गटर में ही डालेंगे, वो काला वाला जो गटर जो जिससे घर का पानी बाहर ड्रेनेज में निकल रहा होता है ना, उसमें डाल देंगे। और इसके बाद अब काम तकरीबन पूरा हो गया। अब जो मेन चीज बचेगा, अगले 3 दिनों तक नमक वाले पानी से पोछा लगेगा घर, ताकि थोड़ा बहुत भी टुकड़ा ना बचा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बहुत सारी चीजों को जलाया है, तो राख वगैरह अगर गिरा है तो वो क्लीन हो जाएगा, वो राख भी घर में नहीं होने चाहिए। और इस तरीके से पूरे पूरे घर की सफाई हो जाएगी, घर की नकारात्मकता चली जाएगी,
मन शांत हो जाएगा, लोगों का घर ठीक हो जाएगा। मंत्र जाप वगैरह शुरू कर दीजिए घर में आप। इसके बाद से अब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक वाइट शर्ट को आपने ड्राई क्लीन करवा लिया, एकदम क्लीन हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि घर गंदा नहीं हो सकता, है ना? तो घर गंदा ना हो, ऑफिस गंदा वापस से ना हो, इसलिए समय समय पर रोज भगवान की प्रार्थना, पूजन, हवन, हवन तो नहीं, पूजन, एक अगरबत्ती, दीपक, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आस्थावान इलाकों में आस्था बनी रहती है, सुरक्षा बनी रहती है और शांति बनी रहती है। इसके बाद जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल है कि खुद को या किसी पर्सन को, किसी इंसान को कैसे क्लीन करें, उनके अंदर कोई नेगेटिविटी आई हुई है, कोई भी बुरी बलाई हुई है, कोई भी बाहरी हवा आई हुई है, कोई भी ब्लैक मैजिक जैसा कोई चीज़ फील हो रहा है, तो उसमें कैसे क्लीन करें, उस टाइम पे यही सारा प्रोसेस साथ में सेलेनाइट टावर का इस्तेमाल करके हम उन्हें क्लीन करते हैं। इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे बेटा, इसके बाद आप उसको देखिएगा, आपके काम का चीज़ है तो ज़रूर आपके काम आएगा, है ना? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते। आज